जय भीम साथियों, मैं अपने यूट्यूब पेज से लाइव आया हूँ आपके बीच में कुछ कहने के लिए, क्योंकि जो मेरी लड़ाई है ये समाज हित में और देश हित में है। इस लड़ाई से व्यक्तिगत मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरी लड़ाई का एक एक पल जो है ये समाज को समर्पित है और महापुरुषों को समर्पित है। और आने का मेरा एक सीधा कारण था कि पहले तो मेरे चैनल को डिस्टर्ब किया गया, उसके बाद कार्यक्रम चलता था और कार्यक्रम में जो कुछ पैसे मिलते थे उस पैसे को बचाकर रिकॉर्ड करवाता था, मिक्सिंग करवा करके उसको चैनल पर डालता था। तो उसमें एक धार जुटी थी, एक स्रोत था मेरा जो कार्यक्रम का। अब क्या हो रहा है, अब मेरे कार्यक्रम को प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। कहीं कोई कार्यक्रम हो कोई दिक्कत नहीं है, होल्डिंग लग गई। जैसे ही पता चला लोग परमिशन के लिए गए, दरोगा जी जांच करवाए, पता चला उनका कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहे भैया उनके लिए परमिशन नहीं है। जो लोग काफी अड़ंगे हैं, जीवट से मजबूत हैं, वो लड़ भीड़ करके बेचारे कार्यक्रम किसी हालत में करवा रहे हैं। चूंकि समय कम है, काम अधिक है, अब मैं अपने मन में एक विचार बनाया हूं, ये आपसे मैं शेयर करूंगा कि अब मुझे गांव-गांव में जाना पड़ेगा। केवल कार्यक्रम से मैं इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाऊंगा, अब गांव-गांव में जाऊंगा, लोगों तक जाऊंगा, लोगों को बुलाऊंगा, लोगों के यहाँ बैठूंगा। कार्यक्रम होगा तो कार्यक्रम में जाऊंगा, नहीं होगा तो मैं गांव में जाके लोगों को बटोर के, लोगों को बैठा के, माताओं बहनों को बैठा के जगह जगह गांव में भी मीटिंग करूंगा। और जहां बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध के मोमेंट को कितनी तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है, और मैंने 8-10 मूवी बनाने का भी फैसला किया है। जैसे संत रैदास पर, ज्योतिबा राव फूले पर, माता सावित्री बाई पर, माता फातिमा शेख पर, उस्मान शेख पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, छत्रपति साहू पर, पेरियार ललई यादव पर, पेरियार ए बी रामा स्वामी पर 30-35 मिनट की मूवी बनेगी। इसकी शूटिंग करवाऊंगा और इस 10 मूवी में लगभग 25-30 लाख रुपए का खर्च है। तो जो भाई कार्यक्रम में मुझे ले गए हैं, गवाए हैं, अगर वो मेरी बात को सुनते होंगे तो वो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि कार्यक्रम में गाड़ी का भाड़ा, म्यूजिशियन का खर्चा जोड़ करके ही हम लेते हैं। जनता की ओर से जो मिल गया 1000-2000, उससे हम अपनी व्यवसाय चलाते हैं। सोच हमारी बड़ी है, लेकिन सोच के मुताबिक आर्थिक स्थिति हमारी बहुत कमजोर है। अब और ज्यादा कमजोर हो रही है, इसलिए हो रही है कि अब हर जगह हमें रोका जा रहा है। अब हमें गाड़ी से नहीं, पैदल भी चलना पड़ेगा तो हमको, हम चलेंगे, लेकिन इसके लिए अब हमें मूवी बनाना है, अब कुछ और गीत कुछ और तरीके से तैयार करेंगे। तो जो हम शरीर से जितना योगदान है ये तो हम देंगे, लेकिन पैसे का मामला जहाँ तक है उसमें हम फेल होने जा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए। हमारे जितने फॉलोअर्स हैं भारत में और भारत से लेकर विदेश तक, इधर आप देख रहे हैं फोन पे नंबर हमारा है, अकाउंट नंबर है, इसको आप देख लीजिए। और आपसे 1000, 2000, 4000, 10000, 5000 नहीं, 10-20 रुपया अगर अपने फोन पे से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से इस बाबा साहब के मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को हम आगे ले जाएंगे और गांव-गांव तक जा करके लोगों की विचारधारा को बदल करके बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा हर लोगों के दिमाग में डालने में सक्षम होंगे।
लेकिन इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। हमें मूवी बनाना है, बिना मूवी से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी जब तैयार करेंगे मोबाइल पर बच्चे देखेंगे, बूढ़े देखेंगे, नौजवान देखेंगे, सारे लोग देखेंगे, तो उसका कुछ असर दिमाग पर और पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि 10-20 जो भी हो, जो भी श्रद्धा आपकी बनती हो, अपने श्रद्धा के अनुसार इस फोन पे पर अकाउंट पर आप हमें पैसा डाल सकते हैं, और हम जो आपकी सोच है, जो आपका मोमेंट है, हम उस पर लगातार लड़ते हुए हम उसको आगे बढ़ाएंगे, हम इसको पीछे हटने नहीं देंगे। जब तक ये जीवन है, जब तक ये जीवन है, तब तक हम समाज के लिए, शोषित समाज के लिए, अधिकार वंचित समाज के लिए, माइनॉरिटी समाज के लिए, ये लड़ाई हमारी आर पार की शुरू रहेगी। लेकिन इसके लिए सहयोग आपका बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना सहयोग का हम टूट जाएंगे, और अगर हम यहाँ से झारखंड जाते हैं तो हम पैदल नहीं जा पाएंगे, 10 लोगों को ले के जाएंगे तो किराया लगेगा। तो इसलिए आपसे ये अपील पूर्वक करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप मदद करिए, और मदद के साथ जो आपकी विचारधारा है, जो आपकी सोच है, उस सोच को हम पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ, पूरे देश पटल पर, घर घर में हम पहुँचाएँगे अपने इस महापुरुषों की विचारधारा को। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।